वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के पापड़। पापड़ बनाने के लिए मैंने भगोने को गैस पे रख दिया है और जिस ग्लास से मैंने सूजी लिया है एक ग्लास, उसी ग्लास से 8 ग्लास पानी ले लेंगे। देखिए पानी हमारा थोड़ा गर्म हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक बहुत थोड़ा ही डालेंगे और ये थोड़ा सा सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा। उसके बाद पानी देखिए हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे, उसके बाद लगातार चलाते रहेंगे, चलाते हुए 10 मिनट पकाएंगे इसको अच्छे से, चलाते रहेंगे नहीं तो फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखिए सूजी गाढ़ी हो रही है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और कुटा हुआ फिर लाल मिर्च डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाला मैंने। उसके बाद फिर चलाते रहेंगे। ऐसे लगातार चलाते हुए बना लेंगे। देखिए हमारा सूजी पापड़ बनाने के लिए रेडी हो गया। अब इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए बनाने लायक हो गया, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक चूड़ी ले ली है, उसी से सारा पापड़ मैं बनाऊँगी। इससे शेप बहुत अच्छा आ जाता है और बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ऐसे ही सारे पापड़ बना लेंगे हम। अगर बैटर गाढ़ा हो जाए बनाते समय तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही सारे पापड़ बना लेंगे। देखिए मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। इसको अब हम सूखने देंगे, 2 दिन के लिए सुखाएंगे अच्छे से धूप में। देखिए हमारा पापड़ सूख गया है, 2 दिन हो गया। अब मैं आपको इसको तल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, अब हम इसे तलेंगे। देखिए मैंने गैस पे तेल गरम कर लिया था, अब मैं इसमें पापड़ आपको तल के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा है, फूल के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छे पापड़ बने। तेल एकदम गरम होना चाहिए, हाई फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। देखिए हमारे पापड़ बनके तैयार हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही अच्छे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय गाइस।